हाय एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक सबसे सॉट आफ्टर कंट्री की इमिग्रेशन यानी कि यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन के बारे में है। इसमें परमानेंट वर्कर्स की कैटेगरी के लिए यूएसए ऑलमोस्ट 140,000 लोगों को हर साल इमिग्रेंट वीज़ाज प्रोवाइड करता है। इन इमिग्रेंट वीज़ा में ना सिर्फ मेन एप्लीकेंट बल्कि उस मेन एप्लीकेंट के साथ उसके स्पाउस और चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को और बीवी या हस्बैंड को भी सपोर्ट होती है कि वो जाके अमेरिकन नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इन वीज़ा की कैटेगरी को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज जो हैं इसमें कुछ के लिए लेबर सर्टिफिकेशन पहले ज़रूरी होती है और कुछ के लिए लेबर सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी नहीं है। आपको आपकी कुछ स्किल्स, आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस की बेस पर ये वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। आने वाले कुछ सालों में तकरीबन 175,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा जो हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे और कोशिश ये है यूएसए इमिग्रेशन की कि ये मैक्सिमम जो है उनमें से यानी तकरीबन 60,000 से 70,000 वीज़ाज को इसी साल 2024-2025 के दरमियान में प्रोसेस कर दिया जाए। तो ये बहुत सॉर्ट आफ्टर वीज़ा प्रोसेस हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज होते हैं इन वीज़ा में 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज जो हैं इनमें क्या देखा जाता है कि क्या एक पर्सन अमेरिका में आके अमेरिका को फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। पहली 4 कैटेगरीज जो हैं वो स्पेसिफिकली एजुकेशन बेस्ड हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड। जो 5वीं कैटेगरी है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। अब एक एक करके हम इन सब की डिटेल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन या फर्स्ट प्रेफरेंस EB-1 वीज़ा। EB-1 वीज़ा जो है इसमें सिलेक्शन के लिए 3 प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स और थर्ड नंबर पे मल्टीनेशनल मैनेजर्स या एग्जेक्टिव यानी CEO वगैरह। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है उसमें साइंसेस, आर्ट्स, बिजनेस या एथलेटिक्स में आपकी एबिलिटी को देखा जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर हैं, आप अपनी कंट्री में या पब्लिश्ड ऑथर हैं तो उसमें आपको EB-1 वीज़ा की दी जाएगी प्रेफरेंस। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं एज अ मैनेजर या एग्जेक्टिव पोस्ट पर हैं तो आपको यूएसए जो है वो डायरेक्ट वीज़ा प्रोवाइड करेगा EB-1 की कैटेगरी में। इस क्राइटेरिया के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को सिलेक्ट करना है उसके लिए किन किन चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे पहले आपका एविडेंस लिया जाएगा कि आप जिस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं क्या वो अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके बाद आपकी मेंबरशिप्स को देखा जाएगा। मेंबरशिप्स के बाद आपके पब्लिश्ड मटेरियल को देखा जाएगा, आपकी ऑथराइजेशन को देखा जाएगा, ऑथरशिप को देखा जाएगा। इसके बाद इन सब चीज़ों की बेस पे ये जज किया जाएगा कि आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर EB-1 वीज़ा। इसकी याद रखें इसमें साइंटिफिक, स्कॉलरली, आर्टिस्टिक, एथलेटिक और बिजनेस की कैटेगरीज आती हैं। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपने नेशनली या इंटरनेशनली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो आप EB-1 वीज़ा के सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और इन एग्जांपल्स में आपका क्रिटिकल रोल बेस्ड असेसमेंट जो है या हाई सैलरी असेसमेंट ये देखा जाता है कि क्या आप अमेरिका में आकर कोई क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं किसी जॉब में जो कि EB-1 कैटेगरी में आ रही है, या आप कोई आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर हैं या आप कोई रिसर्चर हैं जो अमेरिका को इन द लॉन्ग रन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेनिफिट दे सकते हैं। इस तरह की सारी इवैल्यूएशन के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पास किया जाएगा। यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम लोग नीचे दे देंगे। इसके बाद
यहाँ पर उन्होंने वाजे लिखा हुआ है कि फैमिली ऑफ EB-1 वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो भी एक पर्सन को अगर वीज़ा मिल जाता है तो जितने उसकी फैमिली में लेस देन 21 हैं और वो उसकी FRC में शामिल हैं वो आ सकते हैं। EB-2 वीज़ा, EB-2 वीज़ा जो है ये पाकिस्तान में स्पेशली सबसे सॉट आफ्टर वीज़ा समझा जाता है। इस वीज़ा कैटेगरी में जिन लोगों के पास मास्टर्स, MPhil, PhD डिग्रीज हैं, स्पेशली MPhil और PhD डिग्री वाले, वो लोग एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा इसकी सिलेक्शन की कैटेगरी में एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम भी शामिल है। जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है वो एक्सेप्शनल एबिलिटी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। एडवांस डिग्री में आपकी डिग्री के साथ आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस या आपका रिसर्च या ऑथराइजेशन का, ऑथरशिप का एक्सपीरियंस जो है वो भी लिया जाएगा। एक्सेप्शनल एबिलिटी में अगेन आपको नेशनली और इंटरनेशनली कितनी एक्लेम्ड काम आपने किया हुआ है उस चीज़ को एवेल्यूएट किया जाएगा। और ये एवेल्यूएशन ऑफ कोर्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, प्राइजेज, इसके अलावा मेंबरशिप्स एसोसिएशन की, इनसे देखा जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक क्राइटेरिया की एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई शख्स ये काम करना चाहता है तो वो किस तरीके इसको एवेल्यूएशन में आ सकता है। इसमें आपको कुछ लेटर्स चाहिए होंगे प्रेजेंट और फॉर्मर पहले के एम्प्लॉयज़ के से, इसके अलावा आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ क्या मेंबरशिप है और किस लेवल पे आपकी मेंबरशिप है, और उनके साथ आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो देखा जाएगा। याद रखें कि एक प्रोफेशनल को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके सिर्फ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड आर्ट्स शामिल हों, बल्कि कुछ प्रोफेशनल भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आपकी कॉन्फ्रेंसेस की अटेंडेंस और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, सेमिनार्स पे आप एज अ स्पीकर गए हैं या नहीं। अब लेबर सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए होगा, उसके लिए ETA फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। जिन लोगों को लेबर सर्टिफिकेशन का वेवर दिया जाएगा उनकी कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन है, इसके बाद शेड्यूल्ड लेबर सर्टिफिकेशन है, और उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है। जो जनरल लेबर सर्टिफिकेशन है और शेड्यूल्ड लेबर सर्टिफिकेशन है, इन दोनों कैटेगरीज़ में आपको ETA फॉर्म अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी लेबर सर्टिफिकेशन। लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट लेबर प्रोग्राम है, अगर आपकी सिलेक्शन उसमें हो जाती है तो आपको कोई लेबर सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चाहिए होगा, वो प्रोसेस जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट वेवर में सबसे अहम चीज़ जो ये है कि वो आपको पहले एवेल्यूएट करेंगे कि क्या आप अमेरिका में आकर अमेरिका को फ़ायदा दे सकते हैं या नहीं, और आपका जो फ़ायदा है वो किस लेवल तक जा सकता है, यानी उससे अमेरिका इंटरनेशनली कितना आगे बढ़ सकता है। अगर बेसिक सी एक एवेल्यूएशन को देखा जाए तो यहाँ पर जो बेसिक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल सब्सटेंशियल इम्पोर्टेंस है आपके काम की, इसके अलावा कुछ आपकी काम की ऑलरेडी की हुई वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर भी EB-2 वीज़ा में भी फैमिली सपोर्ट जो है वो मुकम्मल दी जाएगी, लेस देन 21 ईयर्स के आपके बच्चे जो हैं वो और आपकी स्पाउस आपके साथ जा सकते हैं ऑन EB-2 प्रेफरेंस वीज़ा। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन EB-3 वीज़ा। EB-3 वीज़ा जो है इसमें स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जिन्होंने BS, BSc, MS, MSc की हुई है या MBA किया हुआ है या ACCA किया हुआ है, और कुछ इस तरह की प्रोफेशनल बॉडीज़ आ जाती हैं। ये प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं इसमें आपको सिलेक्शन के लिए स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के वीज़ा के लिए आपको एवेल्यूएट किया जाएगा या प्रोफेशनल वीज़ा कैटेगरी के लिए एवेल्यूएट किया जाएगा। इसके अलावा एक सब कैटेगरी है अदर वर्कर्स। अदर वर्कर्स की जो कैटेगरी है, सपोज़ स्किल्ड वर्कर्स में नर्सेज आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल में और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट आ जाते हैं, मिडवाइफ्स आ जाती हैं, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, उन सब को इस कैटेगरी में, अदर वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। जो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है
उसमें आपकी एजुकेशन, एजुकेशन के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपकी जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट है या नहीं और किस तरीके से आपने उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर गए हैं, ये सारी चीज़ें यानी आप कह लें कि एक तरह से ग्रेजुअल इनटेक आपका जो है उसको देखा जाएगा। जो प्रोफेशनल लेवल की क्वालिफिकेशंस हैं, प्रोफेशनल लेवल्स की क्वालिफिकेशन को प्रोफेशनल बॉडी से चेक करवाया जाएगा कि आइदर दे आर वैल्यूएबल इन अमेरिका और नॉट। देन आ जाता है अनस्किल्ड वर्कर्स या अदर वर्कर्स जो कि किसी भी कैटेगरी में कुछ ट्रेनिंग या स्किल्स रखते हैं और वो अमेरिका जाकर कोई काम कर सकते हैं। इसमें लेबर सर्टिफिकेशन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। लेबर सर्टिफिकेशन के लिए जो लोग इसमें काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए ETA फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी होगा और उस ETA फॉर्म को US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस जो है वो वेरीफाई करेगी। इस प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म I-140 फिलअप करना होगा, इसके बाद ETA फिलअप करना होगा, इसके साथ कुछ सर्टिफिकेशंस लगा के आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और इस वीज़ा कैटेगरी में भी आपको फुल ऑन जो है वो फैमिली सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन EB-4 वीज़ा पे आते हैं। EB-4 वीज़ा जो है इसमें रिलीजियस वर्कर, सोशल वर्कर्स, इसके बाद स्पेशल इमिग्रेंट स्टेटस वाले लोग, ब्रॉडकास्टर्स, एथलीट्स या वो लोग जिन्होंने US आर्मी के साथ या US आर्मी में काम किया हुआ है वो सारे के सारे लोग एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा सर्टन फिजिशियंस जो हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं अमेरिका में काम करने के लिए, जिनके पास कोई अमेरिकन सर्टिफिकेशन या लाइसेंस मौजूद है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की जो पटिशनिंग होगी उसकी कैटेगरीज जो हैं वो उन्होंने नीचे डिस्क्राइब की हुई हैं। इसके तरीक़ेकार के लिए आपको फॉर्म I-360 जो है वो फिलअप करना होगा और उसके लिए आप स्पेशल इमिग्रेंट स्टेटस हासिल करेंगे। जैसे ही आपको स्पेशल इमिग्रेंट स्टेटस जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करके अपनी ये कैटेगरी को हासिल कर सकते हैं। EB-4 वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनमें भी आपको फुल ऑन स्पाउस एंड अनमैरिड चाइल्ड सपोर्ट जो है वो वीज़े के साथ मिलेगी। यहाँ पर नीचे सर्टन ब्रॉडकास्टर्स की उन्होंने कैटेगरी दी हुई है। सर्टन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उसमें US AGM गारंटी जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि रेडियो फ्री एशिया या रेडियो फ्री यूरोप या इस किस्म की और रेडियो या TV की कंपनीज़ के साथ काम करते हैं या एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं, उन लोगों को इसमें प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारी कैटेगरी है आज के लिए EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा। अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या सहूलियात EB-5 वीज़ा में अवेलेबल हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो है वो 1.8 मिलियन डॉलर्स के लिए है और दूसरी कैटेगरी जो है वो 800,000 डॉलर्स के लिए है। अगर आपके पास इतनी रकम अवेलेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि आपने रेजिडेंशियल अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और फिर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बेस पे या अमेरिका के एक बैंक में 1.8 मिलियन डॉलर्स रखवा के फिर आपने ये वीज़ा हासिल करना है तो उसके लिए आपको पहली कैटेगरी लगेगी। और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ये वीज़ा जनरेट करवाना है, यानी आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें एटलीस्ट 10 लोगों को जॉब मिलेगी, तो उसमें आपको टारगेट एम्प्लॉयमेंट एरिया कैटेगरी जो है या टी कैटेगरी जो है उसमें आप आ सकते हैं। टी कैटेगरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको 5 लाख से 8 लाख डॉलर्स तक चाहिए होगी। ये 5 लाख से 8 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप किसी भी USA मैनेजर के थ्रू हासिल कर सकते हैं, यानी आप पैसे देंगे और वो आपकी कंपनी जो है वो उसमें
इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होगी। तो इस तरीके से आप ईवी कैटेगरी के वीज़ाज़ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।